गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जाइलम के बारे में स्टडी की थी कि जो जाइलम होता है वो चार प्रकार के एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है। चार भागों में इसको डिवाइड किया गया था, तो जिसमें जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतर। तो वाहिकाएं और वाहिनिकाओं को हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं जाइलम फाइबर्स, तंतु। जाइलम जो तंतु होते हैं, ये जो सेल्स होती हैं, ये इन सेल्स के ऊपर लिग्निन का निक्षेपण हो जाता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ये सेल्स कैसी हो जाती हैं, डेड। कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। ये सेल्स ही इन तंतुओं का निर्माण करती हैं, मिलकर के फाइबर्स का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर जो लिग्निन का जो डिपोजिशन है, ये डिपोजिशन अत्यधिक होता है। अत्यधिक होने की वजह से इनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या हो जाती है, मोटी। तो इसी वजह से जो कोशिका के अंदर ल्यूमेन होती है, गुहिका जो होती है, गुहिका या तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है या फिर नग्न, मतलब एब्सेंट, या तो गुहिका बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है या गुहिका लगभग ख़त्म हो जाती है। तो ये जो जाइलम फाइबर्स होते हैं, ये जो सेल्स होती हैं, ये कैसी हो जाती हैं, शुरुआत की अवस्था में तो ये भी जीवित होती हैं, लेकिन डिपोजिशन हो जाने से, लिग्निन का अधिक डिपोजिशन हो जाने से ये जल के प्रति अपारगम्य हो जाती हैं और एट लास्ट कैसी हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। नॉर्मल सी बात है, डेड सेल्स हैं, वाहिका और वाहिनिकाओं के पास पाई जा रही हैं, तो यहाँ पर ये यांत्रिक सपोर्ट का कार्य करेंगी, यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। जो वाहिका और वाहिनिकाएं होती हैं उनको यांत्रिक सपोर्ट का कार्य करती हैं। यदा कदा यहाँ पर कुछ पदार्थों का यहाँ पर स्टोरेज भी हो जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कुछ प्लांट्स के अंदर स्टोरेज का भी कार्य कर लेती हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है जाइलम पेरेन कायमा। जाइलम पेरेन कायमा, जाइलम के अंदर पाए जाने वाला एकमात्र ऐसा एलिमेंट जो क्या होता है, लिविंग, जीवित। क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी पढ़े थे सारे सारे क्या हैं, नॉन लिविंग हैं, मृत हैं। केवल जाइलम पेरेन कायमा ही यहाँ पर लिविंग पाया जाता है, जीवित होता है। जाइलम पेरेन कायमा की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स कैसी होती हैं, पतली भित्ती वाली होती हैं, जहाँ सेल्यूलोज उपस्थित होता है। यहाँ जाइलम पेरेन कायमा भी दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार का पाया जाता है। अगर बात करें हम प्राइमरी जाइलम पेरेन कायमा की, तो जो प्राइमरी जाइलम पेरेन कायमा होता है, ये प्राइमरी जाइलम पेरेन कायमा के अंदर केवल सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज का निक्षेपण होता है। सेल्स कैसी होंगी, पतली भित्ती वाली। लेकिन सेकेंडरी में यहां पर लिग्निन उपस्थित होता है, ये कम मात्रा में होता है। सेल वॉल कैसी हो जाएगी, मोटी।
तो यहाँ जाइलम पेरेन्काइमा में भी दो प्रकार की उपस्थिति मिलती है इसकी। पेरेन्काइमा की प्राइमरी है तो यहाँ पर सेल्यूलोज का स्थूलन होगा, और सेकेंडरी है तो यहाँ पर लिग्निन पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिग्निन पूर्ण रूपेण नहीं होता है, इसलिए सेल्स डेड नहीं होती हैं। लिग्निन पेरेन्काइमा जाइलम पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स की जो उत्पत्ति होती है ये दो प्रकार की होती हैं। सेल्स यहाँ पर दो प्रकार की पाई जाती हैं। यहाँ दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक तो होती हैं रेपेरेन्काइमा एक्सियल पेरेन्काइमा, और दूसरा होता है रेपेरेन्काइमा। दो प्रकार की सेल होती है, एक्सियल पेरेन्काइमा और रेपेरेन्काइमा। जो एक्सियल पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, इनका निर्माण फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स से होता है, और इनका निर्माण रे इनिशियल्स से होता है। उत्पत्ति की बात करते हैं यहां, तो इनकी उत्पत्ति किससे होती है? तर्कुरूपी आरंभिकाओं से, और इनकी किरण आरंभिकाओं से, फ्यूजीफॉर्म और रे इनिशियल्स अलग अलग से दोनों की होती है। यहां जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ इस प्रकार से बॉन्डिंग रखती हैं, इस प्रकार से होंगी। यहाँ जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ इस प्रकार से उपस्थित होती हैं। यहाँ जो संवहन होता है वो कैसा होता है? लंबवत। और यहाँ अरीय, जल का संवहन, यहाँ भोजन का जो सम्मेलन होगा या जल का जो सम्मेलन होगा, भोजन का होता है इनके अंदर, तो वो कैसा होगा? लंबवत। और यहाँ कैसा होगा? अरीय। तो इनकी जो व्यवस्था होती है दोनों सेल्स की अलग अलग प्रकार से होती है, जिसकी वजह से सम्मेलन अरीय भी होगा और लंबवत भी होगा और अरीय भी होगा। बात करते हैं कि जो यहाँ पर पेरेन्काइमा पाया जाता है, जाइलम पेरेन्काइमा पाया जाता है, ये जाइलम पेरेन्काइमा का बाहिकाओं के साथ क्या संबंध होता है? बाहिकाओं के साथ में क्या संबंध होता है? तो स्टूडेंट्स अपने नोट्स में ये ऐड कर लेना। तो यहाँ पर जाइलम पेरेन्काइमा का बाहिकाओं के साथ संबंध, बाहिकाओं के साथ संबंध। जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे आगे तो वहां पर ये चीज आएंगी आगे, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो। तो दो प्रकार का संबंध होता है, एक तो होता है अपवाहिकी, अपवाहिकी है, और दूसरा होता है परावाहिकी है। अपवाहिकी है और परावाहिकी है। अगर जाइलम पेरेन्काइमा बाहिकाओं के साथ में उपस्थित नहीं है, इसका मतलब इनसे बिल्कुल टच होके उपस्थित नहीं है, तो ये क्या कहलाती है? अपवाहिकी है। अगर जाइलम पेरेन्काइमा बाहिकाओं के साथ में, मान लिया ये जाइलम पेरेन्काइमा है और ये क्या है? बाहिकाएं। इनके साथ इस प्रकार से टच है
तो ये क्या कहलाएगा? परावाहिकीय कहलाएगा। तो सेल्स कैसी होती हैं? जीवित होती हैं, क्योंकि जाइलम पेरेन्काइमा देख रहे हैं हम, पतली भित्ति वाली होती हैं। सेल्युलोज का इनके ऊपर निक्षेपण पाया जाता है, तो यहाँ पर ये संवहन का कार्य करती हैं। मुख्य कार्य किसका करती हैं? खाद्य पदार्थों के स्टोरेज का मुख्य कार्य होता है इनका, खाद्य पदार्थ के स्टोरेज का। उसके अलावा जो कार्य करती हैं वो करती हैं, और ये संवहन का कार्य करती हैं। तो ये आपका जाइलम। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, जटिल ऊतक हैं। दोनों की जो उत्पत्ति होती है, या दोनों का जो निर्माण होता है, ये निर्माण विषमांगी कोशिकाओं के समूह से होता है। यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? विषमांगी होती हैं, उत्पत्ति में समान होती हैं, कार्य अलग अलग होते हैं। फ्लोएम टिश्यू, इसको भी किसने दिया था? नगेली ने। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही नाम नगेली ने दिया था। यहाँ फ्लोएम को हम वास्ट टिश्यू भी कहते हैं, या लैप्टोम टिश्यू भी कहते हैं। लैप्टोम या वास्ट दोनों प्रकार का टिश्यू इसको कहते हैं। बात वही जाइलम वाली, विषमांगी कोशिकाओं का समूह है, जो उत्पत्ति में कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं और विभिन्न कार्यों को मिलकर के यहाँ पर संपन्न करती हैं। कार्य क्या होता है फ्लोएम का? तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इन कार्बनिक पदार्थों के संवहन का कार्य होता है। ये कार्बनिक पदार्थ होते क्या हैं? लीफ के अंदर या लीफ में जो खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है, इन खाद्य पदार्थों को लीफ से रूट तक संवहन करने का कार्य किसका होता है? फ्लोएम टिश्यू का होता है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि जो फ्लोएम होता है, इस फ्लोएम की उत्पत्ति कैसे होती है? इसकी उत्पत्ति की हम बात करें तो ये उत्पत्ति में टाइप प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप का होता है। उत्पत्ति की बात करें तो जो प्राइमरी टिश्यू होता है ये प्रोकेम्बियम से विकसित होता है, और जो सेकेंडरी होता है ये वैस्कुलर कैम्बियम से विकसित होता है। ये प्रोकेम्बियम से हो रहा है, ये वैस्कुलर कैम्बियम से हो रहा है। ये वो स्टेज है जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, और ये वो स्टेज है जब यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ इनकी उत्पत्ति भी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के समय वैस्कुलर कैम्बियम संवहनीय एंधा का निर्माण होता है, और वही यहाँ पर किसका निर्माण करती है? सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। फ्लोएम के पार्टों की अगर बात करें तो फ्लोएम भी चार पार्ट से मिलकर के निर्मित होता है। फर्स्ट सीव एलिमेंट, चालनी तत्व। बी सहचर कोशिकाएं, कैंपेनियन सेल्स। सहचर कोशिकाएं फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर।
तो ये भी चार प्रकार के पार्टों से मिलकर के बना होता है। सीव एलिमेंट में दो चीज आती हैं, सीव सेल्स और सीव ट्यूब। शुरू के जो तीन हैं ये अक्षीय संवहन का कार्य करते हैं, और जो लास्ट वाला है, सॉरी इसको चेंज करते हैं एक मिनट, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा अरीय संवहन का कार्य करता है, अरीय संवहन का कार्य करता है। तो यहाँ पर सीव एलिमेंट की बात करें, कैम्पेनियन सेल्स की बात करें और फ्लोएम फाइबर की अगर बात करें, तो ये तीनों मिलकर के अरीय संवहन का कार्य करते हैं इस प्रकार से, सॉरी अक्षीय संवहन का कार्य करते हैं, और ये इस प्रकार से अरीय संवहन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट वन बाई वन लेते हैं। अब हम फर्स्ट देखते हैं हम यहां पर सीव एलिमेंट, ये पॉइंट फर्स्ट, सीव एलिमेंट, सीव एलिमेंट। तो यहाँ पर सीव एलिमेंट में दो आती हैं, सीव सेल्स और सीव ट्यूब। यहाँ पर जो सीव सेल्स होती हैं, सीव सेल्स होती हैं, ये कैसी होती हैं, एकल होती हैं, सिंगल होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, मान लिया ये कोई सेल है, तो यहाँ चारों तरफ जो इसकी पार्श्व एरिया है यहाँ पर पट उपस्थित होते हैं। सीव सेल्स में चारों तरफ पट उपस्थित होते हैं, एकल होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, और चारों तरफ यहाँ पर पट उपस्थित होते हैं। सीव ट्यूब की अगर हम बात करें, चालिनी ट्यूब की अगर हम बात करें, तो यहाँ ये सेल्स एक के ऊपर एक ऐसे उपस्थित हो जाती हैं, और यहाँ पर कैसी संरचना बना लेती हैं, इस प्रकार की संरचना बना लेती हैं। ये कोशिकाएं जब एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती हैं, तो यहाँ पर नलिकाकार संरचना का निर्माण हो जाता है, यहाँ एक नलिकाकार संरचना निर्मित हो जाती है, और इनके ऊपर और नीचे ये अनुप्रस्थ पट होते हैं, अनुप्रस्थ पट होते हैं। ये पट कैसे होते हैं, जो अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं, ये जैसे छालनी में छिद्र होते हैं ना, इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर इन अनुप्रस्थ पटों पर पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और ये छिद्र संवहन के कार्य में, जो संवहन का यहाँ पर कार्य होता है उसको कराने में सहायक होते हैं। इन अनुप्रस्थ पटों से ही यहाँ ऊपर नीचे की तरफ पदार्थों का संवहन होता है। ये तो रही इनकी बनावट की बात। अगर हम बात करें कि जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर होता है, तो स्टूडेंट्स जिम्नोस्पर्म में इनकी जो लंबाई पाई जाती है वो पाई जाती है 1400 से लेकर के 4800 नैनोमीटर, और यहाँ पाई जाती है 800 से
1200 नैनोमीटर, और इनकी जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई होती है 0.7 से 10 नैनोमीटर। इनकी जो चौड़ाई होती है वो 0.7 से 10 नैनोमीटर पाई जाती है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर इनकी लंबाई बहुत अधिक पाई जाती है और एंजियोस्पर्म में इनकी लंबाई कम होती है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, लंबे प्लांट्स होते हैं, लंबाई ज़्यादा होती है देन एंजियोस्पर्म के। तो ये सेल्स इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं, तो इस प्रकार से जुड़ करके यहाँ पर अनुप्रस्थ पटों का निर्माण कर लेती हैं। ये जो अनुप्रस्थ पट हैं, अब बात करते हैं आगे की, तो जो ये अनुप्रस्थ पट हैं इन्हें हम चालनी पट कहते हैं। सीव प्लेट कहते हैं। जो सीव प्लेट होती हैं, इन सीव प्लेट पर कैलोज पाया जाता है, कैलोज जमा पाया जाता है, जिसको हम कैलोज पैड भी कहते हैं, कैलोज पैड भी कहते हैं। पतझड़ के टाइम पर, जब पतझड़ का मौसम होता है, तो ये कैलोज पैड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जो ये पट्टिकाएं होती हैं, इन पट्टिकाओं पर जम जाता है। इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कुछ बाह्य पदार्थों के कारण, जैसे फंगस, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता, चाहे बैक्टीरियल की बात करें या किसी बाह्य पदार्थों के इन्फेक्शन की बात करें, तो इसी की वजह से यहाँ पर ये कैसी रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं, किसी भी बाह्य कारक का यहाँ पर संक्रमण नहीं होता। जैसे ही बसंत आता है, तो ये बसंत के टाइम जो कैलोज पेड़ है, ये कैलोज पेड़ पिघल जाएगा, पिघल जाता है, और इसके पिघलने से यहाँ पर पदार्थों का जो संवहन यहाँ कम हो गया था, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, निरंतर हो जाएगा, सुचारू रूप से हो जाएगा। तो जो ये कैलोज है, ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है, जिस जो बीटा 1,3-ग्लूकेन से निर्मित होती है। बीटा 1,3-ग्लूकोन से निर्मित होती है, इसको हम P1 या P2 प्रोटीन भी कहते हैं, P1 और P2 प्रोटीन भी कहते हैं। ये एक तो यहाँ पर इन्फेक्शन से बचा रही है, दूसरा एक कार्य और करती है, अगर यहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं अगर कहीं क्षतिग्रस्त हो जाएं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब अगर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो ये इनके मरम्मत का कार्य भी करती है। तो इस प्रकार से जो सी प्लेट होती है, ये सी प्लेट एक तो इस जगह पर उपस्थित है, दूसरा ये जो साइड वाली जगह है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही ऊपर उपस्थित हैं, यहाँ भी चालनी क्षेत्र कहते हैं इस जगह को, इसको चालनी पट्ट कहते हैं और इनको चालनी क्षेत्र कहते हैं, यहाँ भी उपस्थित होती हैं, ये यहाँ पर भी उपस्थित होती हैं। बात करें हम टेरिडोफाइट्स की, तो स्टूडेंट्स टेरिडोफाइट्स के अंदर सीव ट्यूब नहीं पाई जाती, केवल सीव सेल्स पाई जाती हैं। सीव ट्यूब नहीं पाई जाती, सीव सेल्स पाई जाती हैं, और इन सीव सेल्स में, जैसे ये सीव सेल्स हैं,
इनकी जो पार्श्वी भित्तियां हैं, इन भित्तियों पर पट उपस्थित होते हैं, जो अनुप्रस्थ पट हैं वो इन भित्तियों पर उपस्थित होते हैं। यहाँ से भोजन इस सेल में गया, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी। तो यहाँ पर जिगजैग पोजीशन में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। नलिकाओं में एक फ्लो होता है, सिस्टम होता है ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर फ्लो नहीं पाया जाता, यहाँ जिगजैग पोजीशन में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड, कैंपेनियन सेल्स, सहचर कोशिकाएं। सहचर कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं भी कैसी होती हैं? हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई पीछे, कि जो सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स होती हैं ये केंद्रक रहित होती हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रारंभिक अवस्था में उपस्थित होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैच्यूरेशन होता है तो मैच्यूरेशन के समय वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है, वो कैसी होती हैं? केंद्रक रहित होती हैं। जो कैंपेनियन सेल्स होती हैं, सहचर कोशिकाएं होती हैं, इन सहचर कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। कोशिकाएं कैसी होती हैं? पतली भित्ति वाली होती हैं। कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, केंद्रक उपस्थित होता है। अगर इन कोशिकाओं की आकार आकृति की बात करें तो ये गोलाकार भी हो सकती हैं, षटकोणीय भी हो सकती हैं और लंबी या आयताकार भी हो सकती हैं। आयताकार तो नहीं हो पाती हैं, आड़ी टेढ़ी सी होती हैं वो, तो किसी भी आकार आकृति की ये हो सकती हैं। वापस इधर आते हैं टॉपिक की तरफ, जो कैंपेनियन सेल्स हैं, ये कैंपेनियन सेल्स जो हमने सीव सेल्स पढ़ी थी, सीव ट्यूब्स पढ़ी थी, इनसे बिल्कुल सटी हुई अवस्था में पाई जाती हैं, इनसे दूर नहीं पाई जाती, ये एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट पास पाई जाती हैं, बिल्कुल क्लोज कंडीशन में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कैंपेनियन सेल्स की अगर हम बात करें तो ये कैंपेनियन सेल्स और सीव सेल्स की जो उत्पत्ति होती है, इन दोनों की जो उत्पत्ति होती है ये एक ही मदर सेल से होती है, एक ही मदर सेल से होती है, तो इसलिए इनको सिस्टर सेल्स भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? सिस्टर सेल्स। इनको सिस्टर सेल्स भी कहते हैं क्योंकि एक ही मदर सेल से इनका निर्माण होता है। जब इस मदर सेल में विभाजन होता है, इस मदर सेल में विभाजन होता है, तो विभाजन के समय यहाँ एक कोशिका छोटी हो जाती है और एक कोशिका बड़ी हो जाती है। जो छोटी होती है वो तो बनती है सहचर, और जो बड़ी होती है वो बनती है सीव सेल्स। छोटी कोशिकाओं में केंद्रक शुरुआत की अवस्था में दोनों में होता है, लेकिन यहाँ केंद्रक पीछे भी उपस्थित होता है और यहाँ क्या हो जाता है? अनुपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर कैंपेनियन सेल्स सीव सेल्स के कार्यों को भी गाइड करती हैं, इनके कार्यों को भी, कार्यों का भी ये निर्देशन करती हैं। दोनों के अंदर कॉमन न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा बात करें हम जिम्नोस्पर्म में, और प्लस टेरिडो फाइटा में, तो यहाँ इन दोनों में कैंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स उपस्थित होती हैं। यहाँ पर सीव सेल्स ना मिलकर के एल्बुमिनस सेल्स होती हैं, जो यहाँ
सीव सेल्स के कार्यों को, क्योंकि इनके अंदर भी केंद्रक मिलता है। तो ये एल्यूमिनस सेल्स इन दोनों में, जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइटा में, सीव सेल्स के कार्यों को संपन्न करवाती हैं। तो जो सहचर सेल्स हैं, इन सहचर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस तो है ही है, राइबोसोम भी होते हैं, ईआर भी होती है, गोल्गी बॉडी भी होती है, ये सभी चीज यहां पर प्रेजेंट होती है। तो यहां जो कैंपेनियन सेल्स हैं, ये कैंपेनियन सेल्स का जो कार्य है, वो कार्य यहाँ सीव सेल्स के कार्यों को संपन्न कराना है, और यहाँ पर जो संचरण की प्रक्रिया है उसमें सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा यहाँ जो सीव सेल्स होती हैं, सीव सेल्स एक सेल से दूसरी सेल्स के साथ में, और कैंपेनियन सेल्स, यहाँ पर ये सीव सेल्स एक हो गई, ये दूसरी सीव सेल्स हो गई, साथ में इनके क्या हैं, ये कंपेनियन सेल्स उपस्थित हैं। तो ये एक दूसरे के साथ और यहाँ एक दूसरे के साथ, यहाँ पर जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, जिससे इनके जो साइटोप्लाज्म हैं एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। एंड थर्ड, जाइलम फाइबर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक बाय।